नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारी टीम पहुंच चुकी है सुकमा, जहां पर राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुकमा में जामवन गुफा, श्री राम भू देवी कुटिया, माया माटी पद चिन्ह कुटिया, रॉक गार्डन, चिटमिट्टिन माता मंदिर, सामुदायिक मंगल भवन, ये तमाम जो चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर सम्मिलित की गई हैं। और श्री राम वन गमन पथ का मैप भी आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों पर इसका निर्माण किया जाना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तो है ही, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में श्रद्धालु रहते हैं, इसके आस बाहर के जो राज्यों में जो राम भक्त हैं, उनके लिए भी काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये माना जा रहा है। और मेरे बाएं हाथ में आप देख सकते हैं, ये वो प्रवेश द्वार है जहां से ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी और प्रभु श्री राम की आराधना के लिए कितने ये जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर ये बड़े तौर पर सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो चलिए सफर की हम शुरुआत करते हैं। राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें उन जगहों को विकसित किया जा रहा है जहां मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास का वक्त बिताया। पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखोरी, राजिम, सिहावा, सारिशी आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल हैं। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य यानी कि बस्तर में भी काफी समय गुजारे थे। इस दौरान सुकमा जिले के रामाराम भी पहुंचे थे। वनवास काल के दौरान भगवान राम रामाराम में ठहरे हुए थे और यहां माता चिटमिट्टिन की पूजा अर्चना की थी, जिसके चलते यहां प्रसिद्ध चिटमिट्टिन माता मंदिर का निर्माण कई 100 साल पहले किया गया। छत्तीसगढ़ में 2,27,71,000 की राशि से राम वनगमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें परिसर में पर्यटन की दृष्टि से जनजातीय संस्कृति, कलात्मक प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। राम वन गमन पथ के रूप रामाराम मंदिर और जामवंत गुफा, श्री राम भूदेवी कुटिया, माया माटी पथ चिन्ह कुटिया, रॉक गार्डन, चिटमिटिन माता मंदिर, सामुदायिक मंगल भवन को विकसित किया गया है। मुख्य सड़क से सीधे जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको रामाराम स्थित ये भव्य चिटमिटिन माता का मंदिर नजर आएगा। काफी प्राचीन ये मंदिर है और इसे लेकर ये मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, छत्तीसगढ़ से जब वो गुजर रहे थे वनवास काल के दौरान, तब उनके कदम इस जगह पर पड़े थे और इसी जगह पर ये मंदिर स्थापित किया गया है। काफी प्राचीन मान्यताएं इस मंदिर को देखने को मिलती है इस मंदिर को लेकर। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ से गुजर रहे थे तब जिन जिन जगहों पर उनके कदम पड़े थे उसे मानचित्र में प्रदर्शित भी किया गया है। तो चलिए आपको इस मंदिर के भीतर लिए चलते हैं। रामाराम में चिटमिट्टिन देवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जो इलाके में बड़ी आस्था के केंद्र के रूप में जाना जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम यहां रुके थे और माता की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि सुकमा जिले के रामाराम में स्थित इस मंदिर में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं अब इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सकेगा। मंदिर के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं और दाईं ओर की जो दीवार है वहां पर मानचित्र प्रदर्शित किया गया है, जहां जहां प्रभु श्री राम के कदम पड़े थे, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, भारत श्री राम के यात्रा स्थल ये हैं। और छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे ये भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। और जब आप अंदर बढ़ते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, यहाँ पर ये प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। रामाराम स्थित चिटमिट्टिन माता मंदिर के मुख्य पुजारी दुर्गा प्रसाद जी से हम जानेंगे। पंडित जी, इस मंदिर को लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं और कब से ये प्राचीन मंदिर स्थापित है? ये मंदिर यानी कि 7 पीढ़ी हो रहा है, 7 पीढ़ी से ये धरोहर चलते आ रहा है, मंदिर का जो पूजा पाठ चलता है आदिवासी लोगों के साथ। और ये माघ पूर्णिमा में मेला लगता है, फरवरी महीना में।
तो राजवाड़ा में इनका जो देवी का पूरा सिंगार रहता है, सोमवार के दिन डोली पालकी, जितना भी बाजा लाड भैरक सोमवार के दिन यहाँ पे स्थापित होता है माई जी का। मंगलवार को तो मेन पूजा रहता है, और सभी आदिवासी आके जितने क्षेत्र के देवी देवता, जैसे तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश का जितना देवी देवता, दंतेवाड़ा से जितना देवी देवता पूरा सम्मिलित होके ये मेला बहुत बड़ा लगता है। और बुधवार को समापन होके फिर दूसरा मंगल बुधवार को फिर वहाँ पे राजवाड़ा में शीतला मंदिर में फिर वहाँ मेला लगता है। और यह जो भी मन्नत यानी कि आदिवासी जो भी मन्नत मांगते हैं सबका यानी कि सही होता है, जो भी है, जो अपने बीमार के लिए, जो भी है अपने बाल बच्चे के लिए, अपने नौकरी चाकरी के लिए, जब भी देवी माँ ने सबको शक्ति प्रदान की है, सबको सुनी है, सबका कामना सब अच्छा से होता है। और माँ देवी माता भगवती की शक्तिपीठ है जो सामने है। तो और ये जो बना है जो रामगमन पद, हाँ, इनके द्वारा ही बन बनाया गया है, राम रामा राम इनके नाम से है कि नहीं। भगवान श्री राम अयोध्या से त्रेता युग में आए थे, इसके हिसाब से रामगमन पद से जो पार्क बना हुआ है, आपका शौचालय बनाया है, एक भवन सामने बना है जो सिराहा पुजारी रुकने के लिए, पहले तो कुछ नहीं था, अब जब से सरकार आई है तो तब से बना है। जिले के रामाराम में प्रसिद्ध चिटमिट्टिन मंदिर में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन तैयार किया गया है। इस रॉक गार्डन में गुफा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां भगवान राम की जीवनी को तस्वीरों में प्रदर्शित किया गया है। उनके जन्म से लेकर वनवास काल और फिर सीता हरण के बाद रावण का वध को तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास है। नैसर्गिक पेड़ पौधों के बीच रॉक गार्डन का निर्माण किया गया है, इस वजह से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य की अलग छटा बिखरी हुई है। रॉक गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए ओपन थिएटर की योजना बनाई गई है। चिटमिटिन माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जिसे इस प्रोजेक्ट के अंदर में शामिल किया गया है, और वो है रॉक गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का यहाँ का सफर। ये है सुकमा का रॉक गार्डन। जिला प्रशासन ने 26 जून 2023 को इसका इनॉग्रेशन कराया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली इसके उद्घाटन में शामिल हुए थे। हालांकि पहले वो यहां पर आने वाले थे भौतिक रूप से शामिल होने, लेकिन जब मौसम खराब हुआ तब रायपुर से ही उन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन कर दिया था। रॉक गार्डन रामाराम, जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सभी चीजों का निर्माण किया गया है, और इसकी खूबसूरती तो काफी है ही, लेकिन यहाँ पर और कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे बाकी प्रोजेक्ट से अलग बनाती है, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप इस रॉक गार्डन के अंदर प्रवेश करते हैं, दो विशालकाय हाथियों की प्रतिमाएं आपका स्वागत करती हैं। जिला प्रशासन ने इस रॉक गार्डन का निर्माण 6,500 स्क्वायर मीटर में करवाया है, और काफी बड़े क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं इसका निर्माण हुआ है। हर जगह पर पत्थरों से बनी हुई प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी, और यहाँ की जो दीवारें हैं इस रॉक गार्डन की, बताया जाता है कि वनवास काल के दौरान जब छत्तीसगढ़ का संदर्भ हुआ था, तब प्रभु श्री राम के जो तमाम संस्मरण हैं वो इन दीवारों में उकेरे गए हैं, कि किस तरह से अयोध्या से वो निकले वनवास में, और उसके बाद जब लंकेश ने माता सीता का हरण कर लिया, और फिर जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने के लिए पहुंचे, वो तमाम कहानियां इस रॉक गार्डन की दीवारों में उकेरी गई। इसके अलावा गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित करती चट्टानों से बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो मनुष्य की अभिव्यक्तियों को दर्शाती है। इसके अलावा एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार बनाने के लिए दो हाथियों की मूर्तियां रखी गई हैं। रॉक गार्डन में तरह तरह की पत्थर नुमा आकृतियां बनाई गई हैं। इनका निर्माण राखड़ से किया गया है। जिला प्रशासन ने प्रयास किया है कि ऐसा आकृतियों को आयाम कुछ इस तरह दिया जाए कि वो स्वाभाविक या कहें प्राकृतिक लगे। इस प्रयास में वो काफी हद तक सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। पूरे रॉक गार्डन में राखड़ से की गई कारीगरी देखते ही बनती है। कल्चर्स यहां पर बनाए गए हैं। एक जो मानव भाव होता है, मनुष्य जब खुश रहता है वो हंसता है, इसका एक इमोशन यहाँ पर दिखाया गया है। जब वो उदास होता है उसका एक भाव यहाँ पर दिखाया गया है।
जब वो शांत होता है, जब वो कुछ कहता है, तब किस तरह से एक मनुष्य के चेहरे की आकृतियां बदलती हैं, उसे बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। सौर घड़ी सूरज की रोशनी के साथ ही सटीक समय बताती है। समय बदलने के साथ ही यहाँ बनने वाली परछाई भी बदलती है, जिससे आप सही समय का अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी किसी कमाल से कम नहीं है। यहाँ घूमने आने वालों के लिए ये कौतूहल का विषय है। और ये है सौर घड़ी। जी हाँ, ये घड़ी जो कि सूरज की रोशनी से अपना समय बताती है, जब अलग अलग पहर होते हैं, और मिनट्स के तौर पर यहाँ आप देखेंगे कि गोलाकार जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं। और ये है इस सौर घड़ी का कांटा। जब दिन का पहर बदलता है और इसकी जो छाया है पत्थरों पर पड़ती है, इसे देखते हुए जो समय का है वो निर्धारण यहाँ पर होता है। आप देख पाएंगे कि कितना, जैसे जिस वक्त हम इस कार्यक्रम की शूटिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ पर लगभग 2 बज रहे हैं दोपहर के, और ठीक घड़ी में भी जो 2 का कांटा है वहां पर इसकी जो परछाई है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। दोरनापाल से भी कुछ पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जगह पर जब इस गार्डन का निर्माण नहीं हुआ था, तब पहले किस तरह का यहाँ का स्वरूप था? पहले तो यहाँ पूरा जंगल था, इस एरिया में ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो मंदिर और रोड भी। पहले ऐसा रोड नहीं था, पहले कच्ची रोड थी पहले, अभी रोड बनाया है सरकार, मतलब यहाँ के कवासी जो लकमा है ना, उन्होंने मतलब कि यहाँ जो भी कुछ देखे और ना वो बस यहाँ वो ही बनवाए हैं, और हम लोग ऐसी आज पिकनिक जैसा देखने घूमने बस आए हैं। कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको इस गार्डन में आकर्षित लगती है या बहुत अलग तरह की आपको लगी? यहाँ अभी जो चीज बना है ना, सभी अच्छा लग रहा है अपन को। आज तो पहली बार आए हैं और कभी नहीं आए थे, लोग बोलते रहते भी, आज हम लोग भी कोशिश करके देखते हैं, जाकर थोड़ा देख कर देखेंगे। तो कैसा अनुभव रहा आपने कोशिश किया? अच्छा लगा, मंदिर भी अच्छा लगा, और सब अब घूम रहे हैं तो अच्छा ही लगा। सामने गुफा है, बस गुफा देखने जा रहे हैं। हाँ, सामने गुफा है, बस गुफा देखने जा रहे हैं, और सब ठीक है, अच्छा लगा। तो यहाँ पर कुछ पर्यटक भी घूमने आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस गार्डन में क्या पहले आ चुके हैं या फिर पहली बार आए हैं? पहले आ चुकी हूँ, ये सेकंड है। जी, कहाँ से हैं आप? किरलापाल। कैसा लगा यहाँ पर जो पूरा निर्माण किया गया है, और जो राखड़ से जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई गई है, क्या अपने आप में बहुत यूनिक ये लगता है? यस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज इस गार्डन की क्या है जो आपने यहाँ पर देखी? वो जो गणेश भगवान का मूर्ति है वो अच्छा लगा। गार्डन को लेकर किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कितने बार आ चुके हैं? जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतना कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से यहाँ पर सरकार का प्रयास भी है कि जानकारियां लोगों को दी जाए, राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के तहत इसका जो निर्माण किया गया है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे सौर घड़ी है यहाँ पर, स्टोनहेंज का जो एक मिनिएचर है वो यहाँ पर बनाया गया है, तो क्या इन चीजों को पहले आपने कहीं देखा था, इसके बारे में सुना था, या यहीं पर आकर आपको इसकी जानकारी मिली? नहीं, मैंने तो सुना था पर देखा नहीं था कहीं पे, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छा किए कि यहाँ पे बनाए हैं, कि बाकी लोग आएंगे देखेंगे इसके बारे में जानेंगे, और बाकी लोगों को भी बताएंगे तो आके देखेंगे तो जान पाएंगे कैसा होता है क्या है करके। एक बड़ी चट्टान में हनुमान जी की पेंटिंग बनाई गई है, साथ ही चट्टान में जय श्री राम लिखा हुआ है। इसमें बजरंग बली भजन की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। भक्त और भगवान के रिश्ते में राम हनुमान प्रसंग हमेशा से हम सबके बीच चर्चित रहा है, ऐसे में रामाराम में भक्त हनुमान का जिक्र भला कैसे ना हो। कृति यहाँ पर उकेरी गई है, और जिस तरह से एक बड़ा ही संस्मरण रामायण में किया जाता है बजरंग बली का, किस तरह से जब वो प्रभु श्री राम माता सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे, उस दौरान किस तरह से बजरंग बली उनके साथ में थे, और जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उन्होंने उठा लिया था। तो जहां जहां प्रभु श्री राम का स्मरण होता है, वहां वहां बजरंग बली की बात भी जरूर की जाती है विशेष तौर पर। कोरिया जिले से सुकमा तक बन रहे राम वन गमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों पर किनारे जगह जगह साइन बोर्ड श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये पेड़ वैसा ही महसूस कराएंगे जैसा भगवान राम के वनवास के वक्त को लेकर यादें लोगों के जहन में हैं। तो आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भगवान श्री राम वन गमन पथ के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया गया है। चिटमिट्टिन माता के दर्शन हमने आपको कराए, और उसके बाद रॉक गार्डन आपको हमने दिखाया। तो रॉक गार्डन आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, और मंदिर दर्शन के लिए आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है सड़क माध्यम से की गई है तमाम पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। इसी के साथ TV24 में हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए TV24 के साथ।
नमस्कार।